मैं सारे यूथ्स को और सभी सार्वजनिक को मैं अपील करता हूँ, इस हाईटेक लाइब्रेरी का चालू होने के बाद उसका उपयोग ले और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करना बोल के मैं अपील करता हूँ। सभी को आदाब। अभी बिदर से मैं एक बहुत बड़ा सपना था स्टूडेंट्स का और पब्लिक का और यहाँ के प्यारी जनता का कि एक नया डिजिटल हाईटेक लाइब्रेरी बिदर में गवर्नमेंट का सेंट्रल लाइब्रेरी होना बोल के, उसके लिए मैं अरविंद अली साल भर से उसको कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए कम से कम 5 करोड़ का प्लान करके 2.5 करोड़ रुपीस उसको रिलीज़ करा दिए हैं, तो आज उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी बनने जा रही है, जिस एकदम हाईटेक लाइब्रेरी जिसमें डिजिटल और दूसरे दूसरे फैसिलिटीज़ बहुत से हैं, खासकर जो IAS IPS जो KS और जो IIT को जाने वाले बच्चों को बहुत बड़े बहुत खर्चा आता है बुक्स खरीदने के लिए, नंबर ऑफ़ बुक्स उसमें रहते हैं, ये जो टॉप एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके लिए 1-1 लाख बुक्स पढ़ना पड़ता है, पूरा नॉलेज कंप्लीट नॉलेज उसको जो ये IAS IPS KS को चाहिए, तो वो बच्चों को बाहर से ख़रीद के पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक हाईटेक लाइब्रेरी आज हम उद्घाटन किए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे MLC अरविंद अली जी, यहाँ के काउंसलर मोहम्मद गौस साहब और यहाँ के और एक काउंसलर, सभी 2-3 को अटैच होता है ये अभी काड़े और हमारे दशरथ प्रशांत दोड्डी साहब, तो काउंसलर भी मौजूद थे, तो सब हमारे सतीश स्पेशली लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर होते हैं कंट्रोल करते हैं वो बेंगलुरु से, उनको बुलाए थे मैं अरविंद अली आके आप रहना पूरा डिटेल बोलना बोल के, वो बोले हैं आपको। तो बिदर के डेवलपमेंट में ये भी है वन ऑफ द टॉप बच्चों के लिए, बिदर की जनता के लिए ये भी बिदर का बहुत से टॉप डेवलपमेंट है, जो 5 करोड़ रुपए इसको लागत आ रहा है, अभी 2.5 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए, फिर अगले 2.5 करोड़ रिलीज़ करेंगे, तो हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा एक नहीं मैं बोल रहा था, वेजिटेबल मार्केट ओल्ड सिटी से शिफ्ट हुई वो भी डेवलपमेंट ही, जब पूरा एरिया डेवलप हो रहा है, लोग ट्रैफिक में जम गए थे, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, लोग जाम हो जाती थी वहाँ पे रोड, तो वो डेवलपमेंट का काम है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं डेवलपमेंट में, आगे हम अलग अलग बोलेंगे आपको। लेकर सर आप आवाज़ कब उठाए थे, क्या आपके ही लेटर पैड पे काम हुआ है, क्योंकि हर चीज़ का एक लेटर पैड मांगा जा रहा है, जब वो बनकर रेडी हो जाती है। वो लोग क्या है, लेटर पैड किसको देना पड़ता है, वो तो XYZ आदमी को कुछ देना पड़ता है, MLA ही डिसीजन मेकर रहता है प्लानिंग का, तो MLA ही CM भी अगर यहाँ आना है तो हमारे बगैर उन्हें कोई काम नहीं कर सकता, ये CM चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, मेरे बगैर MLA के बगैर, मैं आज हूँ कल रहता नहीं, कोई भी MLA हो उसके बगैर उन्हें उद्घाटन तक नहीं कर सकता। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, DK शिवकुमार जब MLA थे, कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, तो 10,000 पुलिस को लगाए थे उनके एरिया में कि एक उद्घाटन करने में आ रहा हूँ, कौन रोकता है बोल के, लास्ट में पूरी कर्नाटक की पब्लिक क्या है ये बहुत ही चर्चा हुई, लास्ट में CM वहाँ पे आए, आने के बाद DK शिवकुमार स्ट्राइक में बैठ गए, तो CM बोले मैं कानून से बड़ा चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कानून ये है कि MLA यहाँ का प्रोटोकॉल है कि MLA की अध्यक्षता हर चीज़ में, MLA प्लानिंग का उन्हें ही बॉस होता है, सभी चीज़ में प्लानिंग मेरी होती है, जब प्लानिंग बैठ के मैं कर रहा हूँ तो मैं मेरे को लेटर क्यों दूँ, प्लानिंग मैं डाल के भेजना पड़ता है प्रपोजल्स पूरे, और मैं जाके वहाँ डिसाइड करना पड़ता है, जो चीज़ बोलने पे हो रही है वो लेटर देने का काम जो नहीं जहाँ पे काम नहीं होता वहाँ देने का रहता है, वो बताने के लिए शो पुटअप के लिए रहता है, लेटर हाँ दे के शो पुटअप करने का हर चीज़, मैं एक MLA नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में MLA बंडा साहब बंडप्पा साहब को पूछ लो, ईश्वर खंडे जी को पूछ लो, प्रभु चौहान साहब इधर रहते हैं, सभी राजशेखर साहब है, सभी बसवा कल्याण के MLA उनको पूछ लो कौन करते हैं बोल के, क्योंकि तो जो भी प्लानिंग होती है, जो भी सिटी में हर चीज़ जो भी डेवलपमेंट होता है ये बाबा साहब का कानून है, ये हमारा संविधान है और हमारा कर्नाटक का कानून है, जो प्रोटोकॉल जो बनाए हैं उसी तरह
आज लाइब्रेरी होंगे, हर चीज़ बिदर की, कोई भी पर नहीं मार सकता। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जब बहुत ही लेटर वो ये बोल रहे तो चीफ मिनिस्टर भी पर नहीं मार सकता बगैर एमएलए के। ये कानून है, ये प्रोटोकॉल है, ये बाबा साहब का संविधान है। अगर ये कानून नहीं रहता तो चीफ मिनिस्टर को भी पावर रहता था। भाई बड़ा पोस्ट है चीफ मिनिस्टर, मगर कानून बना दिया गया है, जिस एरिया में चीफ मिनिस्टर जाता है वहाँ का एमएलए बॉस। ये कानून है, आप कानून निकाल के देख लो, वो लेटर वेटर वेटर कुछ नहीं है, चुप लोग बोकस लेटर बना के लेके फिर रहे। इसको कितना बजट आया सर? इसको 2.5 करोड़ रुपये आए, मैं प्लान में 5 करोड़ रुपये दिया हूँ, तो 2.5 करोड़ आ गए, अभी स्टार्ट हो जाता है, फिर अभी बने तक फिर 2.5 करोड़ रुपये दिला देंगे। शुक्रिया। पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए आपको। आपका रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हाँ ओके।